भारतीय आजाद सेना राजनीतिक पार्टी जो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, डॉक्टर श्रवण कुमार जो संगठन सचिव हैं झारखंड प्रदेश के, आइए उनसे बात करते हैं कि भारतीय आजाद सेना जो राजनीतिक पार्टी है वह चुनाव के लिए क्या क्या रणनीति है और उनका क्या मुद्दा है, जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाइएगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सबसे पहले सभी झारखंडवासी और भारतवासियों को मेरा जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, प्रदेश संगठन सचिव झारखंड प्रदेश, भारतीय आज़ाद सेना। भारतीय आज़ाद सेना हमने ज्वाइन किया है। भारतीय आज़ाद सेना में ज्वाइन करने का हमारा एक ही मकसद है और उस मकसद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सोनी जी ने माना है, क्योंकि हमारा विचार, प्रकाश सोनी जी का विचार मिलता है और उन्होंने एक बार में कहा कि ठीक है, आपका जो विचार है उस विचारधारा को लेकर हम लोग झारखंड में चलेंगे। हमारा जो विचारधारा है, सबसे पहले कि जाति और धर्म के नाम पर जो झारखंड में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो लूट रही हैं उसको ख़त्म करना। जैसे झारखंड राज्य अलग होने से पहले जब सारे पार्टियां कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि आपस में सबको लड़वा दिया और आज 1932 के खतियान के नाम पर सभी लोग, जितने भी नेता हैं, ये झारखंड को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लड़वा रहे हैं। इसलिए हमारा पहला डिमांड है, पहला सोच है, पहला आंदोलन होगा कि झारखंड राज्य अलग होने से पहले झारखंड में जितने भी भारतीय रह रहे हैं वो सभी भारतीयों का स्थानीय नीति के द्वारा उनको स्थानीय प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, किसी भी जात का हो। जिनका जातीय प्रमाण पत्र बनता है उनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और जिनको स्थानीय बनता है, क्योंकि झारखंड और बिहार दोनों एक ही ज़मीन पे हैं और जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता। इसके लिए मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आंदोलन करूँगा, चाहे वो बिहार के लोग हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हों, सरकारी या गैर सरकारी, जहाँ भी रोज़गार हो उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये हमारा दूसरा सोच है, ये हमारा मुद्दा है लोगों के लिए। और तीसरा है शिक्षा, एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, एक समान रोज़गार, कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के तहत 25% किसी भी स्कूल में गरीबी रेखा में बसने वाले बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा की व्यवस्था किया गया था, लेकिन पिछले 24 सालों में जो भी सरकार बनी वो इसको भूल गए और इसको सरकार को लागू करना चाहिए जल्द से जल्द। हम लोग इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। झारखंड में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं या जितने भी बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर किसी तरह का सरकारी व्यवस्था में कोई सुविधा नहीं है। हमारा MGM जो जमशेदपुर का है, ज़मीन पे सो करके लोग इलाज कराते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नहीं चाहिए आयुष्मान सरकार का, नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब चला जाता है तो सबसे पहले उसको एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन के साथ साथ में 25% जो 100% अमाउंट जो होता है पूरे इलाज का, उसका 25% पेशेंट पार्टी देगा और 75% उस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। सेम थिंग एजुकेशन में भी होना चाहिए। और इससे भी बड़ा अगर एक उपाय हो जाए यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग प्लान किए हैं, कि जितने भी सरकारी संस्था है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, तो गवर्नमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं
इन सभी सरकारी पदाधिकारियों, भले ही कहने MLA, MP, SP, IG, DIG, इसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। जाति धर्म इन सब चीज़ों पर जो लोग लड़ाई का काम कर रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके खिलाफ़ हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पे झारखंड में लोग कहते हैं बिहारी भगाओ, बंगाली भगाओ, उड़ीसा भगाओ, महाराष्ट्र भगाओ, लेकिन झारखंड राज्य अलग होने से पहले हमारी स्थिति क्या थी और झारखंड राज्य अलग होने के बाद हमारे यहाँ आदिवासियों की संख्या कम हो गई। यहाँ गलती किसकी है, जनता की गलती है या सरकार की गलती है? 20 लाख आबादी पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और हमारे जमशेदपुर में करीब करीब 20 लाख गैर भारतीय बांग्लादेशी मुसलमान, गैर भारतीय बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। इनका आधार कार्ड, इनका राशन कार्ड, इनका वोटर आईडी कार्ड हमारे ही सरकार के द्वारा बनाया गया, और हम सरकार को ही नहीं बल्कि जातीय धर्म नीति पे जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि हम लोग बांग्लादेशी को यहाँ से खदेड़ना चालू कर देंगे। भारतीय आज़ाद सेना, हमारा आज़ाद सेना, हम लोग भारतीय आज़ाद सेना के तहत बांग्लादेशी को निकालेंगे यहाँ से। और इसके साथ साथ हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनके भगाने के साथ साथ में जितने भी आदिवासी हैं, आदिवासियों से शादी करके वो बड़ा मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? उनका राशन ले रहे हैं, उनका एजुकेशन ले रहे हैं, उनका आरक्षण ले रहे हैं, सभी चीज़ ले रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जितने भी आदिवासी मूल या झारखंड के जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां गैर भारतीय बांग्लादेशी मुसलमानों से शादी किए हैं, उनका सरकारी जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स, जितना सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसको निरस्त करना चाहिए, उसको निरस्त करके और उनका अधिकार को ख़त्म करना चाहिए। 20 लाख आबादी को राशन कार्ड के द्वारा जो राशन मिलता है वो हमारे गरीबों को मिलना चाहिए, और उनको भगा करके पलायन कर रहे हैं लोगों को वापस ला करके उनको यहाँ रोजगार देना चाहिए, ये हमारी नीति है। क्या क्या मांग है, कितने सीट पर लड़िएगा, इस पार्टी का इतिहास बताइए, कैसे करके आई, क्या इसका कोई सांसद विधायक है कि खाली बैनर? भारतीय आज़ाद सेना अपने विचारों के चलते इन लोगों के बीच में उभर नहीं पा रही है। कोई टाइगर बनता है, कोई भालू बनता है, कोई शेर बनता है, कोई सियार बनता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। सब लोग कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? और जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम जनता के लिए कर देंगे, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम भारतीय आज़ाद सेना के बारे में बताइए, कहाँ की पार्टी है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इसका? कोई भारतीय आज़ाद सेना हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन है और 2019 में MLA का चुनाव लड़ी थी, 2024 में MP का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन क्या है कि हमारे मुद्दों के चलते हमारा पार्टी उभर नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार हम लोग इसको बहुत जोर शोर से आंदोलन करके अपने मुद्दों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है, महासचिव कौन है, उसके बारे में थोड़ा। 2015 में प्रकाश सोनी जी जो हजारीबाग बड़का गांव के रहने वाले हैं उसी एड्रेस पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके महासचिव, केंद्रीय महासचिव संतोष प्रमाणिक जी हैं और अभी अभी हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं और पूरे झारखंड में संगठन बनाने का कार्य हमें मिला है। चुनाव में हम लोग भाग लेंगे और पूर्वी विधानसभा से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए सरवन जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? सर देखिए, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, है ना? लोग मुझे डॉक्टर श्रवण कुमार के नाम से जानते हैं। कहाँ से डॉक्टर किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट में किए हैं, क्योंकि जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हमने आयुर्वेद से, नागपुर से हमने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा करने के बाद आयुर्वेद के जरिए बॉम्बे में हम इलाज कर रहे थे, जमशेदपुर में आए और आने के बाद में करीब 6 से 7 साल हमने एलोपैथी डॉक्टर के साथ मिल करके प्रैक्टिस किया और एलोपैथी का हमें नॉलेज हुआ। और 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री का जो रेजुलेशन निकला कि कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर, कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक
अगर किसी डॉक्टर के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में वो एलोपैथी प्रैक्टिशनर जनरल फिजिशियन के तौर पे कर सकते हैं, बस उसी अधिकार से हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका मेन मुद्दा है हेल्थ में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, रोजगार, शिक्षा में। आपके जो अध्यक्ष जी हैं कब आएंगे, कब कैंपेनिंग करेंगे, कब उनका सभा करवाएंगे? चुनाव के समय में हमारे अध्यक्ष जी आएंगे। सिर्फ चुनाव के समय आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे कि उसके पहले क्या है? उसके धरातल पे उन्होंने हर एक को प्रकाश सोनी बनाया है। डॉक्टर श्रवण मतलब प्रकाश सोनी, प्रकाश सोनी यानी डॉक्टर श्रवण कुमार हमारा हर एक कार्यकर्ता। क्या डॉक्टर श्रवण कुमार को देख के पूरा वोट मिल जाएगा? हमें वोट नहीं चाहिए, हमें, मैं चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों से, जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मुझे वोट मत दो, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, जो हमारा आंदोलन है, जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उस पर आप हमारा सहयोग करें। आप देखें हमारे जो STSC के लोग हैं वो नीचे से, वो पहले सब लोगों को एकत्रित करते हैं कि हमें आवासीय चाहिए, स्थानीय चाहिए, और बाद में दूसरी पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा जो STSC के लोग हैं ये सीधे साधे हैं, झारखंड के लोग सीधे साधे हैं, इनको मूर्ख बना करके लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, तो हम इनको मूर्ख बनने नहीं देंगे। चलिए, तो तमाम जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कब आप अपने यहाँ के मुद्दा को लेकर? तमाम जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी जनताओं से मेरा हार्दिक प्रणाम करते हुए एक रिक्वेस्ट है कि झारखंड राज्य अलग होने से पहले जितने भी लोग रह रहे हैं उनका आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, समान शिक्षा, समान रोजगार, समान स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, और खतियान के नाम पे जो विस्थापन जो हो रहा है वो विस्थापन नीति में बदलाव होना चाहिए। चलिए एक चीज़ बताइए, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के कोई समस्या लेके DC ऑफिस धरना अनशन आंदोलन किए हैं, पार्टी का टिकट मिल गया, डायरेक्ट मैदान में आ रहे हैं राजनीति के लिए? जैसे आप डॉक्टर बने तो एक्सपीरियंस मिला आपको, आपने सीखा, सर्टिफिकेट, क्या कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का संगठन का बैनर लेकर पूर्वी सिंहभूम से खड़ा होना क्या है राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है? क्योंकि राजनीतिक भी एक आंदोलन, जनता जानना चाह रहे हैं। मीडिया में आप अपनी बात रखा, हमने आपके बात को दिखाएंगे, लेकिन जनता भी देखना चाहते हैं कि मेरे पीछे लड़ने वाला कौन है, मेरा आंदोलन करने, क्या आपने कभी आंदोलन किया है? आज से 24 साल पहले 1999 में जब मैं बेरोजगारों का अध्यक्ष था ओंकारनाथ जायसवाल जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में, तो टाटा राइसन कंपनी, टिमकन कंपनी में हमने एक बड़ा आंदोलन किया था, और इस बात का इतिहास है कि टाटा कंपनी ने मुझे खरीदने का कोशिश किया लेकिन मैं बिका नहीं, और नहीं बिकने के चक्कर में मैं एक महीना जेल पे रहा, और उसी आंदोलन को मैं फिर से जागृत कर रहा हूँ। मैं टाइगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो करूँगा वो शेर की भांति करूँगा। जनता के लिए जेल भी जाएंगे अगर कुछ अहम मुद्दा रहेगा तो? मैंने अपने आप को जनता को समर्पित कर दिया, और जनता के लिए जेल क्या, मर भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन कदम अब पीछे हटेंगे नहीं। मैं प्योर संथाली हूँ, प्योर संथाली, और ये झारखंड का संथाली अगर एक बार संकल्प ले लेता है तो पीछे कदम नहीं हटाता है, और हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा डिमांड है सरकार से वो हम हर हाल में लेके रहेंगे। इसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग DC के माध्यम से और राज्यपाल के यहाँ हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग पेपर देंगे, उसके बाद आंदोलन शुरू करेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सबको हाथ जोड़ करके कि आप हमें वोट मत दीजिए, मगर मेरी विचारधारा को समझिए। सीतगोड़ा में हमारा कार्यालय है, आप आइए सीतगोड़ा बाजार जमशेदपुर आरोग्यम हॉस्पिटल के पीछे, और हमारी विचारधारा से जुड़िए। सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार, और इस आंदोलन को सक्सेस कीजिए। जोहार जोहार।